तो इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि सीएसएस के अंदर एनिमेशंस का कौन सा काम होता है और एनिमेशंस को हम क्यों यूज करते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले मैं इसका बता देता हूं। ठीक है, सीएसएस एनिमेशंस अलाउज एनिमेशन ऑफ द मोस्ट एचटीएमएल एलिमेंट्स विदाउट यूजिंग जावास्क्रिप्ट और फ्लैश। आपको जब भी कोई एनिमेशन अप्लाई करनी पड़ती है तो हम क्या करते हैं, कोई और जावास्क्रिप्ट, जेक्यूरी या फ्लैश वगैरह को यूज करते हैं टू अप्लाई एनी काइंड ऑफ एनिमेशन ऑन एचटीएमएल एलिमेंट्स। लेकिन सीएसएस के थ्रू भी आप एनिमेशन अप्लाई कर सकते हो सिंपली और बहुत ही ईजी है। कैसे? पहले तो आपको मैं बता दूं कि उसको ब्राउजर कौन कौन से सपोर्ट करती है एनिमेशन। क्लियर? तो आपके पास ये एक प्रॉपर्टी है और इस प्रॉपर्टी के अंदर आपका प्रॉपर्टी यानी कि आप कौन सी प्रॉपर्टी यूज करोगे टू वर्क विथ। ओके, तो आपके पास कुछ वेब ब्राउजर्स हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है कि कौन सी प्रॉपर्टी आपको प्रोवाइड करनी है। अब अगर आप प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो एट द रेट की फ्रेम्स, तो ये एट द रेट की फ्रेम्स वही ब्राउजर सपोर्ट करेंगे जो आपको यहां पे मेंशन किए गए हैं, जैसे क्रोम है, इंटरनेट एक्सप्लोर है, मोजिला है, सफारी है, ओपरा है। क्योंकि हम अपनी वेबसाइट जो चलाते हैं किसी भी वेब ब्राउजर पे चलाते हैं ना। क्लियर? तो जब भी आप किसी वेब ब्राउजर के ऊपर वेबसाइट चलाते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा वर्जन एनिमेशन को सपोर्ट करता है वेब ब्राउजर का, कौन सा वर्जन वेब ब्राउजर का सपोर्ट नहीं करता। क्लियर? जैसे ऑडियो और वीडियो टेक थे, कहीं पे चल रहे थे, कहीं पे नहीं चल रहे थे। क्लियर है? तो सेम एज आपके पास सेम एज यहां पे देख लो कि इंटरनेट एक्सप्लोर का 10.0 वर्जन जो है वो सपोर्ट कर सकता है किसको, एनिमेशंस को। लेकिन आप क्या यूज करोगे, एट द रेट की फ्रेम्स की ये आपने प्रॉपर्टी यूज करनी है। क्लियर है? अब अगर आपके पास कुछ ऐसे वर्जन है जो इनसे, सपोज ये आपके पास ये वर्जन है ना, आप यहां तो एट द रेट की फ्रेम्स यूज कर लो अगर ओल्ड वर्जन को भी सपोर्ट करवाना है, और न्यू वर्जन के अंदर हम डायरेक्ट एनिमेशन ही लिखते हैं। समझ में आया? और उसके बाद आपने करना क्या है, की फ्रेम्स हम देते क्यों हैं? की फ्रेम्स हम इसीलिए देते हैं व्हेन यू स्पेसिफाई सीएसएस स्टाइल्स इनसाइड द की फ्रेम्स द एनिमेशन विल ग्रेजुअली चेंज फ्रॉम द करंट स्टाइल टू द न्यू स्टाइल एट द सर्टेन टाइम्स। पता है क्या होगा, हम एक ही एनिमेशन के अंदर मल्टीपल जो है प्रॉपर्टीज डिफाइन करेंगे सीएसएस की। सपोज अगर किसी एलिमेंट की कलरिंग चेंज करनी है, उसकी फॉन्ट साइज चेंज करनी है, एज वेल एज आपकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हम एट अ टाइम डिफाइन करते हैं। तो एनिमेशन के अंदर हम उन सारी प्रॉपर्टीज को इसीलिए रखते हैं ताकि वो एक एक आपकी जो प्रॉपर्टी है उसको वन बाय वन अप्लाई करता रहे या ग्रेजुअली अप्लाई करता रहे। क्लियर है? अब मैं आपको करके दिखा देता हूं कि एनिमेशन हम अप्लाई कैसे करते हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, देख लो। यहाँ पे हम लिखते हैं एट द रेट सिंबल, फिर की फ्रेम्स, और फिर आपने देना है एनिमेशन का नाम। क्या देना है एनिमेशन का नाम, और आपने बताना है कि फ्रॉम एंड टू। अब फ्रॉम एंड टू का मकसद यह है कि कहां से स्टार्ट हो एनिमेशन और कब तक चले। क्लियर है? तो मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं। और उसको कॉल कैसे करते हैं, जिस भी एलिमेंट के अंदर कॉल करना है आपको यहां पे लिखना है एनिमेशन का नाम। एनिमेशन का नाम क्या रखा था हमने एग्जाम्पल, और वो कितने सेकेंड्स तक जो है एग्जीक्यूट हो, तो आपने यहां पे वो क्या देना है, उसकी ड्यूरेशन देनी है जो भी आप डिफाइन कर रहे हैं। क्लियर है? मैं इसको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूं आपको। हम एक डिव क्रिएट करते हैं, उस डिव के अंदर कुछ भी लिख देते हैं, और यहां पे आके स्टाइल ओपन करते हैं, इंटरनल सीएसएस अप्लाई करते हैं, और यहां पे इसी डिव को मैं कुछ जो है उसकी विड्थ हाइट वगैरह सारी चीज़ें प्रोवाइड कर देते हैं। इसकी विड्थ रखते हैं 200 पिक्सल, इसकी हाइट रखते हैं 200 पिक्सल, और उसका बैकग्राउंड कलर रखते हैं सपोज येलो। ठीक है, इसको सेव करते हैं। तो आप इसको सेव करेंगे, इसका नाम हम रख देते हैं कि animation.html, और इसको रन कर देते हैं। क्लियर? तो आपके पास एक सिंपल डिव है जिसके अंदर मैंने एक कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है।
अब मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं इस डिव के ऊपर कुछ एनिमेशन अप्लाई करने वाला हूँ। तो इसका कलर कुछ और रख देते हैं, सपोज ऑरेंज, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि मुझे अप्लाई करनी है एनिमेशन। तो एनिमेशन अप्लाई करने के लिए पहले आप एट द रेट सिंबल लिखोगे और फिर क्या लिखोगे, की फ्रेम्स। क्लियर? की फ्रेम्स लिखने के बाद आपने प्रोवाइड करना है एनिमेशन का नाम, आप जो भी एनिमेशन का नाम रखना चाह रहे हो। मैं नाम रख देता हूं टेस्ट। क्या नाम रख देते हैं? टेस्ट। और इसी के अंदर आपने कर्ली ब्रेकेट स्टार्ट करनी है और उन दोनों कर्ली ब्रेकेट्स के अंदर आप प्रोवाइड करते हो कि फ्रॉम एंड टू। क्लियर? और आपने इन फ्रॉम एंड टू के अंदर भी कर्ली ब्रेकेट स्टार्ट करनी है और फ्रॉम के अंदर भी आप क्या डिफाइन करते हो, अपनी एनिमेशन के अंदर आप फ्रॉम एंड टू के अंदर प्रोवाइड करते हो सीएसएस की एट्रीब्यूट्स के आपकी कौन सी चीज एज एनिमेशन अप्लाई हो। क्लियर? आप क्या अप्लाई करना चाह रहे हो, कि उस डिव की विड्थ बढ़ जाए, उस डिव की हाइट बढ़ जाए, या उस विड्थ का कलर चेंज हो जाए। क्लियर? मैं क्या चाहता हूं कि उस डिव का जो कलर है, अभी कौन सा ऑरेंज है ना बैकग्राउंड कलर, मैं उसका बैकग्राउंड कलर कुछ और रखना चाह रहा हूं। मैं रख देता हूं सपोज ऑरेंज से हम कर देंगे ब्लैक, कौन सा ब्लैक। और दूसरी एट्रीब्यूट कर देता हूं कि उसके फॉन्ट का कलर जब ब्लैक हो तो व्हाइट हो जाए, ये फॉन्ट कलर क्या हो जाए, व्हाइट हो जाए। अब ये तो था फ्रॉम, यानी कि 50% तक जो एनिमेशन अप्लाई होगी वो फ्रॉम के अंदर होगी और 50% जो अप्लाई होगी वो टू के अंदर होगी। क्लियर है? क्योंकि अगर आप सपोज 4 सेकेंड अप्लाई कर रहे हो ड्यूरेशन, तो 2 सेकेंड फ्रॉम अप्लाई होगा, 2 सेकेंड टू अप्लाई होगा। क्लियर? तो आपने क्या करना है, यहां पे आके मैं कुछ इसके अंदर कुछ और अप्लाई कर देता हूं। सपोज यहां पे बैकग्राउंड कलर कुछ और कर देंगे, बैकग्राउंड कलर ग्रीन कर देते हैं और फॉन्ट का कलर कर देते हैं सपोज ग्रीन के ऊपर व्हाइट, ठीक है। सेव करता हूं उसको। अब आपने एनिमेशन क्रिएट तो कर ली, लेकिन इस एनिमेशन को मैंने अभी तक कॉल नहीं किया। अगर आप अभी रन भी करते हो तो कुछ अप्लाई नहीं होगा, समझ में आया? अब मैं क्या करता हूं, उस एनिमेशन को कॉल करना। ये एनिमेशन जो आपने की फ्रेम्स के अंदर बनाई है उसका नाम है टेस्ट। क्या नाम है? अब मैं इस डिव के ऊपर अप्लाई करना चाह रहा हूं, समझ में आया? तो मैं क्या करूंगा, मुझे यहां पे आके लिखना है उस एनिमेशन का नाम। पहले आप लिखोगे एनिमेशन, फिर एनिमेशन का नाम क्या रखा था आपने, टेस्ट। तो आपने यहां पे टेस्ट लिख दिया। क्लियर? एनिमेशन का नाम देने के बाद आप यहां पे देते हो एनिमेशन की ड्यूरेशन। क्या देते हैं? एनिमेशन ड्यूरेशन, यानी कि कितने सेकंड्स तक वो अप्लाई होती रहे एनिमेशन। जब आपने पावर पॉइंट के अंदर पढ़ा था वहां पे भी एनिमेशन देते थे हम, फिर हम सेकंड्स डिफाइन करते थे कि कितनी ड्यूरेशन तक वो अप्लाई होती रहे। तो मैं यहां पे इसको कर देता हूं 5 सेकंड। कितने? 5 सेकंड। और सेव करके इसको रन कर देता हूं। तो देखें अप्लाई हो रहा है ऑटोमेटिक। 5 सेकंड्स तक दो दो कलर अप्लाई होते रहेंगे, उसके फॉन्ट के कलर भी चेंज होते रहेंगे। एक दूसरा काम ये करते हैं कि फॉन्ट की साइज भी बढ़ती रहे। मैं यहां से आके फॉन्ट की साइज कर देता हूं सपोज 40 पिक्सल हो जाए। तो आप देखिएगा, देखें बढ़ रही है फॉन्ट की साइज, फिर कम भी हो रही है, अप्लाई हो रहा है। अब दूसरा काम करते हैं, अब मैं चाहता हूं कि वो लेफ्ट से मार्जिन भी दे दे उसको, ये जो डिव है ना उसको लेफ्ट से मार्जिन लेफ्ट कर दे। कितना? सपोज वो कर दे 400 पिक्सल्स। सेव करते हैं, रन करते हैं, देखें अप्लाई हो रहा है। लेफ्ट से मार्जिन 400 पिक्सल अप्लाई हो रहा है और आपका वो मार्जिन देखें अब अप्लाई तो हुआ। अब दूसरा काम करते हैं कि जब 2 तक पहुंचे तो 2 के अंदर फिर से मार्जिन अप्लाई हो जाए। क्या मार्जिन? टॉप से अप्लाई हो जाए। कितना? 400 पिक्सल्स। और यहां पे हम कर देते हैं कि ये लेफ्ट से तो अप्लाई कर रहा है, ठीक है, लेकिन मार्जिन टॉप से क्या होना चाहिए? 0 पिक्सल। सेव करते हैं, रन करते हैं, देखें अब नीचे से होके फिर से ऊपर आ जाएगा। देखें, समझ में आया? आप कोई भी एनिमेशन अप्लाई कर सकते हो। आप अगर चाहते हो मुझे ये मार्जिन्स वगैरह अप्लाई नहीं करने, तो आप कुछ और भी कर सकते हो।
जो भी एट्रीब्यूट अप्लाई करोगे ना अकॉर्डिंग टू यूर रिक्वायरमेंट आपकी वो अप्लाई हो जाएगी। अब मैं क्या चाहता हूँ कि उस डिव की जो विड्थ है अभी 200 पिक्सल है, मैं चाहता हूँ वो 600 पिक्सल हो जाए। कितनी? और उसकी हाइट भी बढ़ जाए, हाइट भी सपोज हो जाए 400 पिक्सल। एज इट इज मैं यहाँ पे आता हूँ, इस यहाँ पे भी प्रोवाइड कर देता हूँ कि उसकी विड्थ हो जाए 600 पिक्सल और उसकी हाइट हो जाए 400 पिक्सल। सेव करते हैं, रन करते हैं, तो देखें उसकी विड्थ हाइट बढ़ी और देखें फिर कम हुई, फिर आपकी वो क्या हो रही है, अप्लाई हो रही है। अब आपने यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें बतानी है। कौन सी? अब वो एक बार एनिमेशन अप्लाई हो रही है फिर क्या हो रही है, रुक जाती है, ऐसा ही है। मैं क्या करता हूँ कि एक एनिमेशन की एट्रीब्यूट होती है एनिमेशन, जिसको हम कहते हैं आइट्रेशन काउंट, कि कितनी बार एनिमेशन चले। जैसे आपने मार्क्यू के अंदर दिया था ना लूप, कि कितनी बार मार्क्यू अप्लाई हो, एज इट इज एनिमेशन कितनी बार अप्लाई हो वो आपने यहां पे बताना है आइट्रेशन काउंट के अंदर। कि अगर आप बता रहे हो उसको कितनी बार, कि मैं कह रहा हूं कि वो टोटल 3 बार एनिमेशन अप्लाई हो फिर खत्म हो जाए, तो वो भी हो सकता है, इट्स अप टू यू। अगर आप इसको कह दोगे ना इनफिनाइट, क्या इनफिनाइट मकसद वो चलती ही रहे, उसको क्लोज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है, अनलिमिटेड चलती रहे, तो उसके लिए आप इनफिनाइट दे देते हो। तो देखें आपकी ये अभी चलती रहेगी, अप्लाई होने के बाद फिर से आपकी रुक जाएगी, फिर अप्लाई हो जाएगी, फिर अप्लाई होती रहेगी, देखें चल रही है। अब मैं क्या करता हूँ, दूसरा काम करते हैं कि उस डिव की जो विड्थ हाइट है, पहले देखो उसकी 600 हो रही है फिर 400 हो रही है, मैं चाहता हूँ यहाँ पे फिर से 200 हो जाए। कितनी हो जाए? 300 हो जाए, और यहाँ पे भी 300 हो जाए, और यहाँ पे ऐसे देखें कम हो रही है फिर ज़्यादा हो जाएगी। काउंट नेम स्टेट फंक्शन टाइमिंग फंक्शन है, हाँ ठीक है। तो इसके अंदर आप क्या बताते हो कि इज इन, इसके कुछ टाइप है, जैसे आपने एनिमेशन के टाइप पढ़े हैं ना, वैसे ही एनिमेशन का अगर कोई टाइप अप्लाई करना चाह रहे हो या टाइमिंग फंक्शन, तो हम यहां से प्रोवाइड कर सकते हैं इज इन आउट। तो मैं यहां से ये अप्लाई कर देता हूँ, या आप लीनियर भी अप्लाई कर सकते हो जो आपको पसंद हो, तो वो अप्लाई कर देता हूँ मैं, तो आपका ये ऐसे अप्लाई होगा, स्लोली स्लोली अप्लाई होगा और आपकी वो खत्म ही हो जाएगी। अब अगर ये सारी चीजें आप अलग अलग दे रहे हो, बेहतर ये है कि सारी एक शॉर्टकट में दे दो, जैसे मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन टॉप, मार्जिन राइट, मार्जिन लेफ्ट, ये सारी चीजें दे देते, लेकिन मार्जिन एक साथ भी तो दे देते सारा। तो वैसे ही एनिमेशन को अगर आप ये सारी चीजें, ये आप सारी चीजें हटा के शॉर्ट हैंड तरीका यूज करना चाह रहे हो, क्या शॉर्ट हैंड तरीका, तो उसके लिए करने के लिए आपने करना ये है कि सिंपली एनिमेशन का नाम लिखा, ओके अब आपने क्या करना है कि एनिमेशन का शॉर्ट हैंड तरीका कौन सा है वो हमें अप्लाई कर देना है। तो वो अप्लाई करने के लिए आपने यहां पे एनिमेशन का नाम लिखना है, फिर आपने क्या करना है, स्पेस देना है, फिर आप क्या बताना चाह रहे हो, एनिमेशन की ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए, एनिमेशन की ड्यूरेशन के अलावा। अच्छा अब ये सारी चीजें अप्लाई तो होंगी, लेकिन ये कितनी ड्यूरेशन तक चलती रहे, तो मैं यहां पर कर देता हूं 4 सेकेंड। अब आपने क्या बताना था, लूप कितनी बार चले, इनफिनाइट, यानी कि चलती ही रहे एनिमेशन, यही था। और उसके बाद आपने क्या करना है कि इसका आपने कौन सा एट्रीब्यूट अप्लाई करना है, तो मैं यहां से अल्टरनेट अप्लाई कर देता हूं, सेव करते हैं, रन करते हैं। समझ में आ रहा है, अल्टरनेट से क्या हो रहा है, वो अप्लाई जैसे आपकी उसकी विड्थ बढ़ रही है, फिर ऑटोमेटिक उसकी विड्थ ऑटोमेटिक क्या हो रही है, बढ़ भी रही है। क्लियर? तो ओके, अब आपने ये पढ़ा है कि यहां पे हम फ्रॉम एंड टू देते हैं, क्लियर है, कि फ्रॉम से अप्लाई हो एनिमेशन और टू तक, मकसद 0% से लेकर 100% तक, क्लियर। फ्रॉम के अंदर आपकी 50% एनिमेशन अप्लाई होगी और टू के अंदर 50% अप्लाई होगी। अब मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मेरे पास सपोज जब 30% एनिमेशन अप्लाई हो ना, कितनी 30% तक आपकी ये सारी चीजें अप्लाई होनी चाहिए, कितनी परसेंट तक, 30 तक। उसके बाद 30 में अगर मैं यहां पे कर दूं, जब 70 हो तो आपके पास ये अप्लाई हो जाए, और 70 30 कितने हो गए, 100%। तो ऐसे भी कर सकते हैं हम, या अगर आप चाहते हो नहीं
10% यहाँ पे अप्लाई हो, फिर 10% यहाँ पे अप्लाई हो, फिर 10% नीचे अप्लाई हो, तो हम वो भी दे सकते हैं, हमारी मर्जी है। 100% को हम पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर? कि जब एनिमेशन का 5% चले तो ये सारी चीजें अप्लाई हो जाएं, कलर, ये विड्थ, ये हाइट अप्लाई हो जाए, सही है। और अगर आप चाहते हो कि नहीं, अगर 50-50% के अंदर अप्लाई हो जाए तो वो भी कर दो, आपकी मर्जी है। तो मैं ऐसे करके अप्लाई करके दिखा देता हूँ आपको। तो देखें, पहले 30% स्लो हो रहा था और 70% फिर फास्ट हो रहा है। देखें स्पीड से हो रहा है, क्लियर है। तो ये था आपके पास एनिमेशन।